सर अपना परिचय दें और आज जो कैंप लगाया डोर कलाकाओं ने इसके बारे में जितनी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं। सर मेरा नाम डॉक्टर विनय यादव है, जयपुर हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल नारनौल में एज ए फिजिशियन डॉक्टर काम करता हूँ। और आज हमने डोर कलाकाओं में जो ये हेल्थ कैंप लगाया है रेड क्रॉस के साथ मिलकर, तो आज हमने करीब 208 के अराउंड ओपीडी पेशेंट्स को देखा है, जिसमें ऑर्थो के जनरल पेशेंट्स और डेंटल के पेशेंट्स हमने देखे, और कुछ पेशेंट सस्पेक्टेड टीबी के भी थे जिसमें जिसका हमने स्पूटम सैंपल दिलवाया है। और काफ़ी अच्छी तादाद में यहाँ पे मरीज आए हैं और जिसको जिस तरह के सिम्टम्स थे उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट हमने दिया। इस कैंप में क्या खास है सर, अपना परिचय भी देंगे। इस कैंप में सर हमने डेंटल के और डेंटल के भी पेशेंट देखे हैं, 20-25 पेशेंट डेंटल के देखे हैं, और प्लस में हमने यहाँ टीबी के पेशेंट भी देखे हैं काफ़ी जो लगाया गया था इसमें कैंप में। यहाँ पे 14 के करीब सस्पेक्टेड टीबी के मिले हैं और मेन काम रेड क्रॉस का हमारा टीबी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है और उसी के मकसद से लोगों के स्वास्थ्य की जांच करनी, क्योंकि जो टीबी पेशेंट है वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्हें टीबी है, तो वो हमें ढूंढने पड़ते हैं, उन्हें उसके लिए अवेयर करना पड़ता है, जानकारी मिलती है तो किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं इस पर। सबसे पहला रिएक्शन तो उनका यही होता है, वो आसानी से इस चीज को कबूल ही नहीं करते कि हमें टीबी है, तो उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाना पड़ता है कि भाई ये है और आप ठीक हो सकते हो। एक तो उनके मन में ये भ्रम बैठा हुआ है कि जो टीबी है उसके उस इंसान के पास भी आप बैठोगे तो आपको टीबी हो जाएगा, तो उन्हें पूरी उसकी सावधानियों के बारे में, उसकी दवाइयों के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताना पड़ता है। उन्हें ये भी बताना पड़ता है कि गवर्नमेंट की तरफ से सारी दवाइयां उन्हें 6 महीने तक फ्री मिलती है, और बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से टीबी पेशेंटों को हर मंथ 500 रूपए भी मिलते हैं ताकि वो प्रोटीन युक्त चीजें, जो है घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, आप ये कह रहे हैं। क्योंकि टीबी के लक्षण में मोस्टली यही आता है कि उसको पसीना बहुत ज्यादा आता है, 3 सप्ताह से ज्यादा खांसी हो, कफ में ब्लड आ रहा हो, बुखार आ रहा हो, और फेफड़ों में मोस्टली पानी की जो शिकायत होती है उसमें भी टीबी के चांसेस ज्यादा होते हैं। सबसे पहले पेशेंट को जब ये जानकारी मिलती है या उसको महसूस होता है कि उसको ये बीमारी से ग्रस्त है, क्या करना चाहिए उसे? सबसे पहले उसे टीबी हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, समझा के उसे जागरूक करके, क्योंकि मोस्टली पेशेंट क्या करते हैं, यहाँ के गाँव में मैंने घूम के देखा है, कोई हरे पत्ते या गुलाबी पत्ते की दवाई है, उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, सिर दर्द, खांसी, जुखाम, शरीर में दर्द, सिर्फ जैसे कि हरे पत्ते की दवाई ले यार वो खा ले, 2 दिन आराम, फिर ऐसे लोग जो एक ही दवाई को हर चीज में यूज कर रहे हैं हर बीमारी, उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के से ना ले, क्योंकि ये दवाइयाँ जहाँ आपको फायदा नहीं करती बल्कि आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालती है जो और बीमारियों का कारण बनती है। आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं टीवी कोऑर्डिनेटर शोभा शर्मा, रेड क्रॉस सोसाइटी नारनौल। आपका नाम बाबा? मेरा नाम रोहतास यादव। आपके गांव में जो कैंप लगा हुआ है इसके बारे में क्या कुछ आप कहोगे? जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी को मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लोगों को गाइड किया है और परिचित भी है कि बीमारी के बारे में उन्होंने जानकारी भी दी है, इन्होंने दवा वगैरह भी दी है और समझाया भी है मरीजों को अच्छे ढंग से। चलो चल साहब, आप क्या कुछ कह रहे हो इस कैंप में आप आए हो, काफी जगह आप जो समाज सेवा की जो जगह है वो आप अक्सर नजर आते हो। अजी समाज सेवा तो बात यह है कि मैं सारा दिन यही काम करता हूँ, जहाँ कहीं कैंप लगता है मैं पहुँचता हूँ। यहाँ मुझे पता लगा कि यहाँ कैंप लगे, देखने के लिए आए थे, बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है और अच्छी सेवा कर रहे हैं डॉक्टर साहब भी, जयपुर हार्ट वाले भी और साहब डॉक्टर हैं, ये सब आए हुए हैं और बड़े तरीके से एक्सरे भी यहीं हो रहा है, टीवी की भी देखभाल हो रही है, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है ढोर। हाँ शर्मा जी, क्या कुछ कह रहे हो आप? ढोर कला गाँव में कैंप जो लगा हुआ है, स्वास्थ्य की लोगों की जाँच की जा रही है, जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा ये बहुत ही अच्छा कदम है कि गाँव गाँव में जिले भर में स्वास्थ्य कैंपों का जो आयोजन किया जा रहा है, इससे लोगों को बहुत राहत मिलती है और ये बहुत अच्छा कदम है। विशेष रूप से इसमें जो हमारे जयपुर हार्ट हॉस्पिटल है नारनौल में स्थित है, उनका बड़ा अच्छा सहयोग है, मैदानता हॉस्पिटल की टीम भी यहाँ आज इस कार्यक्रम में आई हुई है, तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। समाज में एक ऐसा संदेश है कि लोगों में इस प्रकार की भावना भी आनी चाहिए कि समाज हित में जो काम है वो सर्वोपरि रख करके लोग काम करें, भाईचारा बनाए रखें। सर जो जो समाज में इस तरह के लोग हैं जो जांच ही नहीं करवाते हैं किसी बीमारी की और वो छुप कर रहते हैं समाज में अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश करते हैं, उनसे आप क्या कुछ कहोगे? उनके लिए भी मैं उनसे आह्वान करना चाहूंगा ऐसे लोगों से कि सबसे पहले जीवन में सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। अगर आदमी का स्वास्थ्य अच्छा है तो उसका जीवन भी अच्छा है,
तो मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही कोई ना करें, अगर किसी भी प्रकार का कोई जांच वगैरह करवानी हो तो समय पर करवाएं। अब इस तरह से जैसे कैंप का आज ये आयोजन हुआ तो ये विशेष रूप से उद्देश्य यही है कि लोग अपना आए और स्वास्थ्य लाभ। मुझे आदमी